सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जमीनी विवाद में थाना अध्यक्ष ने दर्ज कराया था फर्जी मुकदमा। कुरेभार थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव हुए लाइन हाजिर। सिपाही ऋषिकेश भाटिया सतीश कुमार यादव हुए लाइन हाजिर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद SP सोमेन वर्मा ने की कार्रवाई। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने कुरेभार SO और 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगा है। मामला कुरेभार थाने के ईरुल गांव का बताया जा रहा है। ईरुल गांव के लल्लन सिंह, दिनेश सिंह, कुसुम सिंह, शर्मिला सिंह, रेणु सिंह, नीलू सिंह के खिलाफ 21 जून को थाना अध्यक्ष प्रवीण यादव ने फर्जी मुकदमा लिखाया था, जिसके खिलाफ लल्लन सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने SO प्रवीण यादव से CCTV फुटेज मांगा, जो थाना अध्यक्ष कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाए, जिस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए SO और सिपाहियों के खिलाफ विभागीय जांच करने का आदेश दिया। जांच में SO और सिपाहियों के खिलाफ आरोप सही पाए गए। SP सोमेन वर्मा ने SO प्रवीण यादव, सिपाही ऋषिकेश भाटिया और सतीश कुमार यादव को लाइन हाजिर कर दिया। आप जो कह दे रहे हैं, हाँ, ये ठीक है, हाँ, हम इसमें पसरते थे, मेरा पानी न रुके, मेरा घर अब तैयार हो गया है। तो हमको क्या अरे जल्दी उधर नहीं करेंगे, हो गया उधर नहीं करेंगे, आप लाइए निशाना, थोड़ा नहीं मेहनत करे पड़े लाओ अंशु ले बैठा। हमें उससे नहीं, केवल वस्तुओं में पानी की निकासी की समस्या की गया है, समझे। बाकी बाकी आप लोग कोर्ट में मुकदमा लड़ी है, भैया बुना ले आओ, मैं गदारे वाला छोड़ के पूरा हटाया जाए। क्यों फोटो खींचो भाई? तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी सर, उसी स्थिति को बना रही है, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कर रहा के यहीं पे कूड़ा गांड देती है लाके। अरे भैया जी कहूं जगह ही है ना, कूड़ा से क्या मतलब है, चुप रहो, बोलो मत, तन तन हमें बोले दे, बिल्कुल भैया रोका करो, मत खोलवाइए पानी, मत खोलवाइए आप, ठीक है, चलिए। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।